युवा संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी कजोरिया। नेताओं के तमाम वादों दावों पर क्या है जनता का जवाब, देखिए एशियन न्यूज पर। किस राउंड पर कौन किस पर पड़ रहा है भारी, काउंटिंग सेंटर से सीधे करेंगे आपको अपडेट। बिलासपुर से मैं प्रकाश राव। देश की राजधानी से संसद का परिणाम, मैं राजनांदगांव से देवाशीष झा। देवभूमि उत्तराखंड से मैं रमन त्यागी दूंगा पल पल का अपडेट। किस ओर करवट लेगी देश की सियासत, कौन काबिज होगा सत्ता के सिंहासन पर, किसकी होगी दिल्ली, एशियन न्यूज करेगा सटीक विश्लेषण। नतीजे, जीत और जश्न से लेकर सरकार बनने तक की पल पल की खबर देखिए 4 जून को दिन भर सिर्फ एशियन न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हर जिले के थानों की निगरानी सीसीटीवी से अब की जानी है। इसी क्रम में राजनांदगांव जिले के सभी थानों को सीसीटीवी से जोड़ा गया। अब थाने की गतिविधियों का डायरेक्ट टेलीकास्ट एसटी ऑफिस में होगा, जिससे कि पुलिस अधीक्षक डायरेक्टली थानों पर नजर रख सके और थाने में होने वाली गड़बड़ियों को पकड़ सके। सभी थानों में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। इसमें जो फेज़ टू में जो कैमरास लगाए गए हैं उन 12 थानों चौकियों की जो कैमरास हैं उनकी डायरेक्ट फीड हमारे पास एसपी ऑफिस में भी उपलब्ध है, जिसको मैं स्वयं अपने सिस्टम से और अपने फ़ोन से देख भी सकता हूँ। इसका उद्देश्य यही है कि हम इस पर जितने भी हमारे थाने हैं, जितनी हमारी चौकियाँ हैं, उनकी जो गतिविधियाँ हैं उन पर हम सतत निगाह 24 घंटे रख सके और यहीं से मॉनिटर कर सके, ताकि किसी भी तरह की कोई शिकायत आने पे या कोई आपत्तिजनक गतिविधि होने पर हम तुरंत मॉनिटरिंग कर सके और जनसेवा में जो जिस वजह से जो थाने खुले हैं, चौकी खुली है, उसको साकार कर सके। संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी कजोरिया।